नमस्कार दोस्तों, मैं हुस्मित बर्मन और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल जिसका नाम है बर्ड्स केयर एंड इन्फो। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं तोते को लकवा हो या पैरोट पैरालाइज्ड हो जाए तो कैसे करें इसका इलाज। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। इससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें ताकि सारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसके सिम्टम्स की बात करेंगे। तो अगर आपका पैर पैरालाइज्ड हो जाता है तो उसका पैर काम करना बंद कर देता है और ना ही वो अपना सर हिला पाता है। इस कारण वो सही से नहीं खा पाते हैं, जिस कारण बहुत जल्दी उनकी डेथ हो जाती है। लेकिन आप टाइम रहते उसका इलाज करें तो वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि अगर आपके पैरोट को ऐसा कुछ हो जाता है तो उसे वेटरिनरी के पास ले जाएँ, मतलब कि अपने पैरोट को डॉक्टर के पास ले जाएं। अगर आपके एरिया में वेटरिनरी नहीं है तो मैं कुछ ऐसे इलाज के बारे में बता रहा हूं जिससे कि आपका पैरोट ठीक हो जाएगा। लेकिन इसमें पहले हम ये बात करेंगे कि किसी भी पैरोट बर्ड को पैरालिसिस क्यों हो जाता है, किस कारण पैरोट लकवे का शिकार हो जाता है। पैरालिसिस का जो मेन रीज़न है वो है सीजन चेंज होना, सर्दी से गर्मी, गर्मी से सर्दी या गर्मी से बरसात। इस टाइम बरसात का मौसम आ रहा है तो आपको अपने पैरोट को ज़्यादा केयर करना होगा या फिर विटामिन ई, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, मल्टीविटामिन की कमी से भी पैरोट लकवे का शिकार हो जाता है। तो सबसे पहले जब सर्दी से गर्मी आती है तो इस टाइम धूप में गर्मी लगती है तो छांव में ठंडी लगती है। तो ऐसे में अपने पैरोट को ना ही धूप में रखें ना ही छांव में रखें। आपको करना ये है कि अपने पैरोट को बंद कमरे में ही रखें और एक कपड़े से उसके केज को ढक दें। और अगर गर्मी से सर्दी आ रही है तो ऐसे में भी आप अपने पैरोट को बंद कमरे में ही रखें। इस तरह अपने पैरोट को पैरालाइज्ड होने से बचा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पैरोट को पैरालिसिस हो चुक जाए तो कैसे करना है इलाज जिससे कि आपका पैरोट बिल्कुल ठीक हो जाए, तो इसके लिए न्यूरोबाइन सीरप एंड वाइमरल सिरप लाना होगा। इनको देने का तरीका जान लीजिए। न्यूरोबाइन सिरप 3-3 ड्रॉप दिन में 3 बार एंड वाइमरल सिरप 2-2 ड्रॉप दिन में 2 बार 10 दिन तक देना है। इसके अलावा लीफ 52, मल्टीविटामिन, कैल्शियम, ये तीनों चीज़ आपको अपने पैरोट को देते रहना है। और अगर आपके पैरोट पैरालाइज्ड हो गया है तो फ्रूट्स, स्प्राउट्स जैसे सॉफ्ट फूड दीजिए। इसके अलावा दिन में एक बार लिक्विड फॉर्म में खाना देना है, जैसे कि अपने पैरोट को सबको खिला सकते हैं सिरिंज की मदद से, क्योंकि वो ऐसे में सही से खाना नहीं खा पाते हैं। तो दिन में एक बार 10 दिन के लिए लिक्विड फॉर्म में फीड जरूर करना है। और मैंने कई वीडियो में ये सुना है कि पैरालिसिस में आप सरसों का तेल जैसे लहसुन खिलाएं, तो ये गलत है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका पैरोट और भी ज़्यादा बीमार हो सकता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर करना।